जय दोस्तों, आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बीपीएससी का सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं मैथ का। तो कल मैं 2020 का समाप्त किया था, अगले वीडियो में आज है 2019 का करेंगे। बहुत ही सरल मेथड से अगर इसी को आप घर पर रिपीट 2-3 बार कर देंगे तो गारंटी है कि 10 में 10 बीपीएससी में क्वेश्चन सही करके आएंगे। यह ध्यान देंगे, बीपीएससी क्वेश्चन सेम पैटर्न का रिवाइज करता है, बार बार देता है, बार बार देता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जितना भी कमजोर विद्यार्थी अपने मैथ में समझते हैं या समझते हैं कि नहीं हमको दिक्कत है, फिर भी टेंशन नहीं लेना, इसी को रिवाइज करेंगे तो पक्का 100% बन जाएगा। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, सीखेंगे पहले। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी बार बार दे रहा है, डर जाएंगे लोग, कैसे बनेगा बोल देख के डर जाएंगे, कैसे बनाए नहीं बनाएंगे, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इसका अगला पैटर्न बता देंगे, अगला पैटर्न बदलेगा तो कैसे क्वेश्चन दे सकता है, समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो विद्यार्थी, विद्यार्थी की संख्या कितना है, दो विद्यार्थी हमारा। चलिए, मैं मान लिया कि विद्यार्थी ए है और बी है, विद्यार्थी कितना मान लिया, ए और बी है, सीखिए इसको अगर पहले। और कह रहा है 12 कलम एक जैसी बांटना है, कलम यानी कोई वस्तु है जो बांटना है, 12 कलम है ये दोनों में बांटना है, कितना कलम है 12 कलम, यानी ध्यान देंगे 12 कलम को हमको बांटना है, ध्यान देंगे। बांटने के तरीके, कह रहा है बांटने के कितने तरीके होंगे, यदि प्रत्येक को कम से कम दो कलम मिलता हो, प्रत्येक को कम से कम दो कलम मिलना आवश्यक हो, कम से कम दो, दो से अधिक मिलेगा तो चलेगा, लेकिन दो से कम चले कम मिलेगा तो नहीं चलेगा। कहेगा कम से कम तीन, तो तीन तो होना जरूरी है, 4-5 जितना मिल जाए, लेकिन तीन से कम होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कम से कम दो कह रहा है, ध्यान देंगे। टोटल 12 है, टोटल कितना कलम है 12 कलम है, अगर कम से कम दो मिलना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, कम से कम दो से अधिक मिलेगा चलेगा, दो से कम नहीं मिलना चाहिए। अगर पहला के हम दो दे देते हैं, दो कलम देते हैं, तो दूसरा का कितना देना पड़ेगा 10 कलम, ये समझ लीजिए। अगर हम पहला को देते हैं तीन कलम, तो इसको कितना देना पड़ेगा 9 कलम, तब होगा 9 × 3 = 12 कलम हो जाएगा। उसी प्रकार इसको अगर देंगे 4 कलम, तो इसको देंगे 8 कलम, अगर इसको देंगे 5 कलम, तो इसको कितना देंगे 7 देंगे, तो ना 7 × 5 = 12 हो जाएगा। देखिए, अगर पहला विद्यार्थी का हम 6 कलम देंगे तो दूसरा के भी 6 देना पड़ता है, तो 6 × 6 = 12 हो जाएगा। अगर इसको हम देते हैं कितना 7 कलम पहला को, तो दूसरा के 5 कलम देना पड़ेगा, तब 7 × 5 = 12 कलम हो जाएगा। उसी प्रकार इसको 8 देंगे तो इसको 4 देंगे, ध्यान समझ लीजिए। इसको 9 देंगे तो इसको कितना देंगे 3 × 9 = 12, अगर इसको 10 देंगे तो कितना देंगे 2 देंगे। अब बोले सर 11 एक नहीं ले सकते, नहीं, कम से कम दो देना है, कम से कम दो देना है, दो से कम नहीं देंगे। ए को मिलेगा 10, तो इसको मिलेगा 2, 12 कलम हो गया। अब के तरीका होगा, के बार किए ऐसे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, टोटल 9 क्रिया किए, 9 तरीका से किया जा सकता है। ये आंसर कौन हो गया, बी हो गया आंसर, कोई दिक्कत से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब बीपीएससी क्या करेगा, क्वेश्चन को चेंज करके कैसे करके सीखेंगे बहादुर, ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। समझ में आएगा तो कमेंट पक्का करिए कि हाँ सर मैं समझ गया। अगर कहा था नहीं, सेम क्वेश्चन आता है पर 20 कलम कर दे, 25 कलम, 25 से 25 आम, कुछ भी कर सकता है। हम वास्तु को सेम रख, कलम को समान रखते हैं। यहाँ पर अगर नहीं, कम से कम यार आता तीन कलम मिलना आवश्यक हो, मान ले कम से कम कितना कलम हो, तीन कलम, दो विद्यार्थी है, 12 कलम बांटना है, और प्रत्येक को कम से कम कितना मिलना चाहिए, तीन, तीन से कम नहीं चलेगा, तीन से अधिक चलेगा। तो मान लेते हैं, सीखेंगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देंगे, ए है, बी विद्यार्थी है, टोटल कलम 12 है, अगर पहला को हम 3 देंगे तो दूसरा कितना देंगे 9 देंगे, तो 9 × 3 = 12 हो जाएगा। एक नहीं ले सकते, दो नहीं ले सकते, क्योंकि कम से कम कह रहा 3, 3 लेना जब जरूरी है, उससे कम नहीं हो सकता। अब इसको 4 लेंगे तो इसको 8 लेंगे, इसको 5 लेंगे तो इसको कितना लेंगे 7 लेंगे, इसको 6 लेंगे तो 6 लेंगे। आप ध्यान देंगे, अगर इसको हम लेते हैं कितना लेते हैं 7 लेते हैं, इसको कितना लेंगे 5, तो 7 × 12 हो जाएगा। अगर हम इसको 8 लेते हैं तो इसको 4 लेंगे, ध्यान देंगे, अगर इसको 9 लेंगे तो इसको 3 लेंगे, बस 9 × 3 = 12 हो गया। तो तीन से कलम कोई कम ले ही ना सकता है, तो बी को भी मिनिमम 3 मिल गया, ए को मिनिमम भी 3 मिल गया। यहाँ पर कहेंगे 10 और 2 नहीं लेंगे, फिर अगर इसको 10 लेते, इसको 10 कलम मिल जाएगा, इसको बेचारे का 2 कलम मिल जाएगा, तो क्राइटेरिया फेल हो जाएगा, क्योंकि 3 कलम मिलना जरूरी है, 3 से नीचे मिलना ही नहीं है। तो कितना मेथड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरीका ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसा टाइप क्वेश्चन बना देंगे। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन आसान है, आसान नहीं, नहीं जानते तो हार्ड है, नहीं जानते तो हार्ड है, पक्का बीपीएससी कुछ ना कुछ नया देता है, सीख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, सीखें क्वेश्चन क्या होता है। कह रहा है यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में हैं, तो ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात, जब ध्यान देंगे, जब त्रिज्या खड़े देवर रहेगा तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो हो जाए त्रिज्या का स्क्वायर होता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है। अगर खाली त्रिज्या दिया हो, आयतन पूछेगा, जो आयतन होगा त्रिज्या का घन होता है या त्रिज्या का क्यूब होता है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, एरिया निकालना, सब क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, ध्यान देंगे, सीखेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्या का स्क्वायर होता है, त्रिज्या का क्या होता है,
स्क्वायर होता है। तो ध्यान देंगे दो त्रिज्याएं कितना है, ए या बी है। क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल पहला का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी ध्यान देंगे पहला का त्रिज्या कितना है बहादुर, पहला का त्रिज्या है दूगो है, दूगो है तो दूगो त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, दो का है तो कोई बात नहीं, दो है तो दो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे पहले, सबसे पहले सीखना है। तो कितना है 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात एक का स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, के अंक के बाद दशमलव होगा, एक दो अंक के बाद हो जाएगा क्योंकि 15 × 15 दो अंक हो जाएगा, इतना होगा अनुपात कितना होगा, ये होगा कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, समझ गए। अगर नहीं पूछता अगर क्षेत्रफल ना पूछे क्या पूछता, आयतन पूछता, क्या पूछता, अगर पूछता कि आयतन का अनुपात निकाले, सीखिएगा थोड़ा सा हल्का हिंट देते हैं, तो हो गया त्रिज्या का फिर क्यू हो जाता, त्रिज्या का क्यू हो जाता है, ऐसे अनुपात अगर बढ़ा देते हैं, समझ गए, इजी वे में समझ गए, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन देता है, क्षेत्रफल पूछेगा तो त्रिज्या का स्क्वायर, अगर आयतन पूछेगा तो त्रिज्या का क्यू लेकर करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे बनाना नहीं मौखिक बने करेंगे, फिर भी सीख लीजिए। चलिए देखिए समय और काम का 5 टंकी क्वेश्चन आ गया, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे इसको, समझ लीजिए कैसे बनता है। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यदि टंकी छोड़िए, इतना ही हम समझते हैं, हमारा समझे क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन इतना ही तक स्टॉप कर देते हैं अगर सीखेंगे तो। कह रहा है एक घर भरता है 3 घंटा भरता है, दूसरा 4 घंटा में खाली करता है, ध्यान दें भरने वाला तेज है, भर देता है 3 घंटा में, खाली करता है 4 घंटा में, भरने वाला तेज है तो कितना देर में टंकी भरेगा, जो निकाल इतना निकाल देते हैं, दोनों का काम निकाल, दोनों का क्या करते हैं काम निकालते हैं, तो कितना होगा दोनों का लघुत्तम, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, क्या हो गया ना, तो समझ लीजिए मान लिया ये है भरने वाला जो कितना भरता है 3 घंटा में, अब बी है खाली करने में जो कितना खाली करता है 4 घंटे में, समझ गए। तो ऐसे में क्या दोनों का लघुत्तम, दोनों का लघुत्तम लेंगे 12 लिए, अब इसको क्या करेंगे, ये 12 होता है लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, एलसीएम मान लेते हैं 1 से आता है, अब उसको पूरा काम निकालने के लिए होता है क्या होता है 1/2 होता है, ए प्लस होता है या माइनस, जो है 1/2 क्या होता है 1/22 होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं रहता सीधे सीखना, समझ लीजिए। तो कितना धैर्य भरेगा, अगर टोटल 12 है तो कितना 3 × 12 यहाँ 4 हो जाएगा, समझिएगा 3 × 4 कितना देरी में खाली करेगा, 4 × 12 माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कितना देरी में टंकी है जो भर जाएगा, भर जाएगा ठीक है, लेकिन टंकी भरना है नहीं, कितना भरना है टंकी, ध्यान कितना नहीं, क्वेश्चन आगे ही भर दिया, यदि टंकी का 1/3 भाग भरा हो, 1/3 भाग भरा है, 1/3 भाग क्या है भरा है, तो भरा लगा तो नहीं भरेंगे, खाली वाला का भरेंगे हम, तो टोटल टंकी की क्षमता 3 लीटर है, जिसमें 1 लीटर भरा हुआ है, कितना बच गया भरना, खाली कितना है 2/3 भरा जाना पड़ेगा, ये ना बोलेगा, यानी 1 में से 1/3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 2/3 ही मिलेगा, तो जी कितना किसको भरना है टंकी को, केट कौन टंकी को 2/3 को, तो 2/3 से गुणा कर देंगे, समझिए सब डायरेक्ट मौखिक होता है बात, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया 12/1 गुना हो गया 2/3 हो गया, 3 × 12 कितना 8 घंटा में भर देगा, समझ गए। तो जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो ऐसी बना देंगे, कॉन्सेप्ट है जिनको 8 घंटा आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन जिनको जानते हैं सीधे कुछ नहीं करेंगे, सीधे करेंगे ऐसे करेंगे, लघुत्तम आ गया 12 हो गया 4 हो गया 3 हो गया, गुना कितना भरना है 1/3 भरा 2/3 खाली, देखिए खत्म हो गया 3 × 12 नीचे देखिए आ गया 4 × 8 आंसर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ऐसा क्वेश्चन ध्यान लेकर बनाए समझ लीजिएगा, नहीं जानते तभी ऐसा ट्राई करिएगा, इस तरह से बनता है खत्म हो गया, खाली करने वाला को माइनस लेते हैं, भरने वाला को प्लस लेते हैं, इसलिए खाली करने वाला है माइनस लिया वहाँ प्लस लिया है अगला। आगे समझिए क्वेश्चन सीरीज का है, ये पूछा वो सब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देंगे सीखेंगे, सीखिए कितना आसान है, देखिए 1 है 3 है 9 है, कुछ नहीं पता चल रहा था आपको, एक चीज पता चल रहा है, ई है जो कितना है 3 का क्या है स्क्वायर है, ई है जो कितना है 5 का कितना स्क्वायर है, ई है जो 7 का स्क्वायर है, इतना तो पता चल गया, तो ई है जो 1 का स्क्वायर है, ई है जो कितना है 1 का स्क्वायर, इतना पता चल गया, इतना पता चल गया बात। अब देखना है ये 3 है अब 15 है, यानी सब किसी न किसी के नज़दीक है, ये 4 कितना 4 के नज़दीक है, यानी 2 के वर्ग के नज़दीक है, ये है जो कितना के वर्ग के नज़दीक है 4 के वर्ग के नज़दीक है, और ये है जो 6 के वर्ग के नज़दीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, बोलिए इसको हम लिख सकते हैं बहादुर, बोलिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, कितना 6 का स्क्वायर माइनस, यानी चल रहा है कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चल रहा है, यानी अभी क्या होगा 8 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी 64 में से कितना घट गया 1, यानी 63 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, सीरीज जैसा समझ लीजिएगा, ये सिंपल है कुछ था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, यानी सीरीज जैसे चला था, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए
कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं जानते तो हार दिक्कत होने लगेगा। ध्यान नहीं कर रहा, ये ध्यान दिए कर रहा, एक स्क्वायर माइनस बाईस स्क्वायर बराबर सात दिया हुआ है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन आपको सिखा रहे हैं। कर रहा एक्स माइनस बाईस बराबर कितना दिया हो, एक दिया हो, ध्यान नहीं सीखेंगे। एक्स माइनस बाईस बराबर कितना, एक दिया हुआ। अगर एक्स प्लस बाईस हमारा निकल जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस बाईस एक दिया, एक्स प्लस बाईस निकल देगा तो हम आसान हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए जब ये माइनस में रहेगा, माइनस ये माइनस में रहेगा, जो भी रहेगा, तो इतना का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भागा दे दीजिएगा आसान हो जाएगा। देखिए भागा दे देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा कितना है, एक्स माइनस बाई बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू सात है तो सात ले लेंगे, उसका वैल्यू एक है तो एक ले लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ के तोड़ेंगे तो कितना होगा, होगा ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी, यही ना होगा, आप फार्मूला पढ़े हैं। यानी एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई बराबर है सात बटा एक, देखिए कट जाएगा, यानी एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ गया आपको, सात आ गया। कितना आ गया, यानी यहाँ पर वैल्यू कितना मालूम हो गया, सात हो गया, समझ में आ गया। अब एक्स निकालिएगा तो देखिए जो ये क्या है, ये अंतर है क्या है, ये जोग है। अगर ऐसे ऐसे समीकरण निकालें तो कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा तो निकालेंगे तो, यानी जोग और अंतर मालूम हो, ध्यान देंगे। जब जोग और अंतर क्या हो, जोग और अंतर मालूम हो, जोग और अंतर ये मालूम है, जोग भी मालूम है सात, अंतर मालूम कितना एक, तो बड़ा राशि यानी बड़ा राशि एक्स है, एक्स बराबर निकालना होता 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 जोड़कर दूसरे भाग, तो सात एक आठ, सात एक आठ, आठ बटा दो, छोटका निकालना है तो घटाकर दूसरे भाग होता है, इसमें घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना मिलेगा, छः, घटाकर दूसरे भाग, यानी इसका वैल्यू आ गया चार, इसका वैल्यू आ गया कितना, तीन आ गया। अब क्या पूछ रहा है, वो तो विकर्ण पूछ रहा है, यानी आयत दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक आयत है, क्या है, आयत है, इसका विकर्ण ए निकालना है, क्या निकालना है, यानी बड़का राशि, यानी लंबाई दिया हुआ है चार, चौड़ाइया कितना दिया है तीन दिया हुआ है, तो विकर्ण निकलेगा। विकर्ण बराबर क्या पढ़े हम लोग हैं, लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का पढ़े हैं, यानी चार का स्क्वायर प्लस कितना होगा, तीन का स्क्वायर, इतना बराबर हो गया पच्चीस, पच्चीस बराबर कितना हो जाएगा, पाँच आपका आंसर आ जाएगा, पाँच है कहूँ पे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। तो अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे, अब सीख गए होंगे तो डायरेक्ट इतना नहीं करेंगे परीक्षा में, ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि क्या होता है, दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर बराबर चार का स्क्वायर, जानते हैं छः का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर बराबर दस का स्क्वायर, इसे जानते होंगे आप लोग, कोई बात नहीं। तो जब ऐसा रहेगा सीधे ध्यान, अंतर हमको दिया हो, ध्यान देंगे अंतर कितना दिया हुआ है, यानी यहीं पर पकड़ लीजिएगा, अंतर हमारा कितना दिया हो, एक दिया हुआ है। और जब जोग निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, जोग निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, जब इसी का सेम दिया स्क्वायर में रहेगा तो जोग निकालना दिया रहता है, तो सीधे इससे ही भागा पड़ जाता है, सात बटा एक के मतलब सात हो गया, समझ में आ गया। अब आपको निकालना है विकर्ण निकालना है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो जोड़कर दूसरे भाग देंगे तो कितना हो गया चार, चार बटा चार का स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाकर दूसरे भाग घटा देंगे तो छः, छः बटा दो के मतलब तीन, तीन का स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया पच्चीस, पच्चीस का मतलब कितना हो गया पाँच हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझ गए हम, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन समझना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है क्वेश्चन, बीपीएससी में हर साल ये क्वेश्चन रहना ही रहना, फिक्स एकदम है, तो समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन बनता है। जो 80 विद्यार्थी है, ध्यान देंगे, कुछ क्या खेलता है, कुछ कैरम खेलता है और कुछ क्या शतरंज खेलते हैं, चलिए देख लेते हैं। कुल विद्यार्थी 80 है, जिसमें कैरम, ध्यान देंगे कैरम खेलता है, कैरम खेलता है और शतरंज खेलता है, कैरम कितना खेलता है 60%, तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 80 का 60% 60 बटा 100, जब डेट इसमें आंसर होगा लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं। और शतरंज खेलता 45, कितना का 80 का, टोटल विद्यार्थी का 45% क्या खेलता है, शतरंज खेलता है, इतना समझ गए हैं बाद। चलिए अब कह रहा है 10 विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलता है, एक क्लास में 80 विद्यार्थी है, एक क्लास में क्या है 80 विद्यार्थी है, जिसमें 10% को कुछ खेलने नहीं आता है, यानी ना तो शतरंज खेल सकता है ना तो कैरम खेल सकता है। हम बोल सकते हैं 90% विद्यार्थी खेलने वाला है, बोल सकते हैं ना कि 90% विद्यार्थी खेलने वाला है, तो कितना खेलने वाला विद्यार्थी निकाल देते हैं, खेलने वाला कितना विद्यार्थी है, खेलने वाला कितना विद्यार्थी है जो निकालते हैं, वो देख सकते हैं 80 का 90% यानी 90/100 खेलने वाला विद्यार्थी निकाल सकते हैं, उसको हटा दिए, कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई मतलब ही नहीं था, तो देखिए कट गया, कितना हो गया 0 0 0, जो 9 8 72 विद्यार्थी था, यानी हम सीधे बोल सकते हैं कि 80 से कोई मतलब ही नहीं है। अब बता, खाली बताने के लिए है कि क्लास में कितना विद्यार्थी है 80 विद्यार्थी, कोई मतलब नहीं है, वो खेलने वाला जैसे क्वेश्चन है उसको हटा दिए, यानी 72 में जो भी खेला होगा क्या होगा, 72 में खेला होगा। चलिए ये काटता है 9 5 45 20 5 100, देखिए चार मरते काटता है, यानी 36 ही आ गया, कौन आ गया 36 हमारा, कौन आ गया शतरंज खेलने वाला, ये काटता है, ध्यान नहीं कर रहा है, बीतिया के 60 20 5 100 ये काटता है 16 5 80 16 48 वाला कौन आ गया
48 हमारा आ गया कौन, कैरम वाला खेलता है। लेकिन ये इतना ही प्रपोर्शन समाप्त नहीं हो जाता है, पूछ रहा है क्या? तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, केवल शतरंज? तो जब भी केवल शतरंज खेलने वाला केवल जब भी पूछता है तो जो दोनों में रहता है उसको घटाते हैं। बोलिए कैसे सर, बताइए। हम दो विद्यार्थी, तीन विद्यार्थी यहाँ पे हैं, तीन लोग खड़े हैं, कोई चावल खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई मुर्गा खाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये वो दो है जो को दोनों खाता है, कोई विद्यार्थी दोनों खाता है, हम बोलेंगे नहीं ये छोड़िए, ऐसे समझ लीजिए चावल गेहूँ मिक्स है, चावल गेहूँ मिक्स है, चावल गेहूँ मिक्स, दाल मिक्स है। तो बोलेंगे हमको खाली चावल चाहिए, दो जो दोनों में जो हटा देंगे उसको हटा दे, घटा देंगे। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, दोनों में कितना, दोनों खेल कितना खेलता है, ध्यान देंगे दोनों खेल कितना खेलता है, दोनों खेल। तो दोनों खेल कैसे कैसे पढ़ लेंगे, पहले कितना खेलने वाला विद्यार्थी उसको ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करेंगे तो दोनों का जोड़ेंगे, 48 36 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी 84 विद्यार्थी क्या है, खेलने वाला है। लेकिन हमारे पास विद्यार्थी खेलने वाला कितना था, 72 था। यानी ऐसा भी हो सके, ऐसा हो गया कि जो विद्यार्थी शतरंज खेलता है कैरम भी खेलता होगा, कैरम खेलने वाला भी शतरंज कुछ विद्यार्थी। तो इसमें से कुल विद्यार्थी को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, कुल 72 को घटा देंगे, हमको 12 विद्यार्थी जो मिल गया। तो दोनों खेल खेलता है, शतरंज भी खेलता है और कैरम भी खेलता है। तो केवल निकालने वाला कभी बताएं, दोनों वाला का हटा देंगे, दोनों वाला का हटा देंगे। तो केवल शतरंज डायग्राम से भी चलते हैं, डेट भी चलते हैं, जैसे मान लो डायग्राम बना कर बनाते हैं तो डायग्राम बना लेंगे हम। तो इसमें हो गया 12 है जो दोनों खेलने वाला, ये है क्या है, ये शतरंज है, सॉरी ये कैरम है, ये क्या है, शतरंज है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, तो शतरंज खेलने वाला यानी ये निकालना है। इसमें कितना विद्यार्थी है, इसमें है टोटल 36 है, इसमें कितना 48 है। तो केवल निकालने के लिए इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो 36 में से चल जाएगा 12, तो कितना बचेगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। 24 हमारा कहाँ पर है, ये है। हाँ तो डेट निकालना चाहते हैं, केवल शतरंज निकालना चाहते हैं, केवल शतरंज निकालना चाहते हैं, केवल शतरंज निकालना चाहते हैं, तो क्या करें, कुल विद्यार्थी में से दोनों घटा देते हैं। कुल इसमें कितना है, 36 है, 36 में से घट जाएगा 12, तो कितना बचेगा, 24। ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन देता ही देता है, ध्यान रखें। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुला दिया था, इसको समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आसान देता है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझना है इसको। ये को फॉर्मूला है, इसको पक्का याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल, इसको पक्का रटना है। लेकिन माइनस पर दिया, इस समय बड़ा राशि लेकर चलेंगे, तो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, हमने पढ़ा है ना, इंटू क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस पढ़े हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर इन बाई का स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है, हम रख सकते हैं 117/8, इतना बराबर है, इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ, 3/2 दिया हुआ है, इतना इंटू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, यही निकालना कह रहा ना। देखिए कटता है, 2 × 4 ही कटता है, 7 काट में वहाँ कट जाएगा, 3 से 3 × 9 = 27, यानी इतना बराबर कितना आ गया, 9/4 कहूँ पे है हमारा आंसर सी हो गया। कुछ नहीं, फार्मूला पर दिया था, एकदम आसान था, यानी इतना बराबर इतना इधर इतना बच गया, बराबर उधर इतना बच गया, यही आंसर हो गया। आप समझ गए, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 39/4। अगला क्वेश्चन समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर तोड़ के बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको आधार बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ऊपर घात है, तो हमको ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो यहाँ पर क्या करें, जब भी देगा इसी का मल्टीपल देगा, तो क्या करना है, आधार को यानी बेस को हमको समान करना होता है। तो समान कैसे होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लाना चाहते हैं, चलिए सीखेंगे गाड़ी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5/2 x² + 2x, चलिए एक सेकंड थोड़ा सा, क्या है प्लस है 2x + 7, इतना बराबर दिया, इसको इसका घात सेम करेंगे, इसको 5 से क्यों लिख सकते हैं, 25 के हो जाएगा 5 का क्यू, इतना इंटू हो जाएगा, सॉरी इतना हो जाएगा 5 का क्यू है, यहाँ पर कितना है 2x + 1, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे इसको एक बराबर ले चले लेते हैं, 5/5 कितना हो गया 1x² प्लस हो गया 2x + 7, कितना इक्वल टू, इसको गुना हो जाएगा, तो 5/5 कितना हो जाएगा, बोलिए 3 × 6 x + कितना हो गया 3 × 1 3 हो जाएगा। अभी सेम है तो इसको घात, जब बेस सेम हो जाएगा तो छोड़ देते हैं, कितना हो गया 1x² + 2x + 7 इक्वल टू हो जाएगा कितना 6x + 3, इसको समझिएगा। आप ध्यान देंगे सबको ही पढ़ लाते हैं, कितना हो जाएगा x² ध्यान देंगे, अच्छा जब पढ़ ले आते ही पढ़ते तो फिर कहेंगे सर कैसे कर देंगे, प्लस 7 ही पड़ जाएगा तो माइनस कहते ना, माइनस 6x हो जाएगा,
बराबर जंप करेगा इधर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि बराबर के चिन्ह, बराबर के कोई जंप करता है तो चिन्ह अपना बदल देता है, प्लस से माइनस, माइनस है जो प्लस हो जाता है। आप देखिए कितना हो गया, एक से स्क्वायर हो गया प्लस घटेगा तो कितना हो गया, दोनों में से माइनस चार एक्स हो जाएगा ना, सॉरी कितना हो जाएगा माइनस चार एक्स, माइनस कितना अपना हो जाएगा, माइनस अपना चार एक्स हो जाएगा घटेगा तो, यानी हो गया माइनस फोर एक्स, ये घटेगा तो कितना हो गया प्लस फोर इक्वल टू कितना हो गया थ्री। इसको और तोड़ सकते हैं, और तोड़ देते हैं थोड़ा सा, कितना हो गया एक से स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं टू इंटू, लिख सकते हैं टू इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखते हैं दू गुना दू बराबर जीरो लिख सकते हैं। देखिए तो ये एक्स माइनस टू का लगता है होल स्क्वायर है नहीं, क्योंकि हो जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान देंगे माइनस टू ए बी, टू ए बी अब प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर, यानी इतना हो गया, यानी एक्स माइनस टू बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा टू, हमारा आंसर टू है कौन ऑप्शन में, टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इतना नहीं करना, डेट करना, इतना सिखाने के लिए किया, डेट हम कर सकते हैं, डेट भी कर दीजिएगा, यहीं पर सीधे पलटी मार दीजिएगा, सीधे यहीं पर मार देंगे तो सीधे घटा लीजिएगा, सीधे आंसर कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, कर लीजिएगा समझ गए बेस्ट। तो आगे क्वेश्चन नंबर नाइन है, देखिए इसको समझिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब जोग होता है, ध्यान देंगे इसका मतलब जोग होता है, इसका मतलब जोग होता है, इसके मतलब ही जोग होता है, समझिएगा। बहुत लोग चिन्ह देखे, ये नहीं देगा ऐसे खाली कर देगा, इतना को हल करें, इतना को हल करें, ये नहीं देगा आपको और ये नहीं देगा, बोलेगा इतना को हल करें। अब विद्यार्थी देख बोला आफत आ गया, अरे भाई अब क्या करें क्या नहीं करें, डर जाएगा, क्या करेंगे वो डर जाएगा, कह रहे हैं तो कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, माध्यमिका में इसे पढ़ना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे लेकिन आप समझेंगे फिर भी, चलिए यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा बेस दे देते हैं, परेशान नहीं, जब ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा एन बराबर एक, यहाँ पर दिया मान लो कि छः दिया हुआ है, इसका मतलब है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जोड़ना है एक से लेकर कहाँ तक जोड़ना है, इसका मतलब जोग होता है, कहाँ तक एक से लेकर छः तक जोड़े, इसका इसको इस तरह, चाहे इसको कहेगा इतना को हल करें इतना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः, बतिया दोनों बराबर है, ऐसे ना लिखे ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा तो सबको बना देगा, ऐसे लिख देगा डर जाएगा, बोला अब क्या करें, समझना है बात को, समझ लीजिए क्या हम सिखाना चाह रहे हैं, एकदम बेस भी दे रहे हैं, हल्का हल्का थ्योरी भी दे रहे हैं, ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो, कभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। चलिए तब हम बनते आगे चल बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अब इतना को हल करना है, इसी को हल करना है, क्या करना है, हल करना है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या एन बराबर कितना लेंगे, एक लेंगे, पहले कितना लेंगे एक प्लस एक बड़ा तीन लेंगे, फिर एन बराबर कहाँ तक जाना है पंद्रह तक उसे लेते जाना है, फिर दो लेंगे एन बराबर दो लेंगे तो दो प्लस एक बड़ा तीन हो जाएगा, फिर कितना एन बराबर लेंगे तीन लेंगे, ऐसे ही करते करते पंद्रह तक जाएंगे, हम थोड़ा सा लेते हैं ध्यान देंगे सीखेंगे, अगर हम लेते हैं भाग तो कितना हो जाएगा हमारा, पहले एन बराबर एक लेते हैं, एक प्लस एक बटा तीन फिर प्लस, क्योंकि इसका मतलब जोग होता आगे बढ़ते जाएंगे, फिर कितना होगा अब ये एन बराबर कितना लेंगे दो लेंगे हम, यहाँ क्या दो लेंगे तो दो प्लस कितना होगा एक बटा तीन, अगर हम कितना लेंगे अब एन बराबर तीन लेंगे यहाँ से तीन, तो तीन प्लस एक बटा तीन, ऐसे करते जब हमको बढ़ते कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है पंद्रह तक रखना है, यहाँ होगा पंद्रह प्लस एक बटा तीन कितना हो जाएगा पंद्रह प्लस एक बटा तीन, अब इसको हल करना है, बाकी बराबर है, अगर यहाँ पर रहता ये नहीं देता खाली, ऐसे नहीं देता खाली, नहीं रहता क्वेश्चन इतना रहता तो खाली लिखते एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पंद्रह तक जोड़ते चल जाता आंसर हो जाता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसको ही जोड़ जोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसको हल करेंगे तो कितना होगा चार बटा तीन, इसको कहता तीन छः एक सात बटा कितना हो जाएगा सात बटा तीन, इसको करेंगे तीन तीन नौ एक दस बटा कितना हो जाएगा दस बटा तीन, प्लस डोडो डोडो कितना हो जाएगा पंद्रह पैंतालीस एक छियालीस बटा कितना हो जाएगा तीन, आप इसको हल करना समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बटा तीन निकाल दिए एक बटा तीन कॉमन ले लिए कितना हो गया चार प्लस सात प्लस दस प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो गया छियालीस, यही ना हो गया, समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कुछ है नहीं, अब इसको हल करना है, अब ऐसा पढ़े हैं कि कॉमन डिफरेंस जब देखिए यहाँ पर तीन के अंदर तीन के अंदर सब तीन के अंदर जब ऐसा भी है तो औसत जो सबसे पहले ध्यान जोगफल निकालना है तो क्या निकालना है तो जोगफल सॉरी क्या निकालना है जोग निकालना है जोगफल निकालना है जोगफल बराबर होता है औसत गुणे संख्या क्या होता है औसत गुणे संख्या होता है औसत गुणे संख्या होता है एक बटा तीन तो जोगफल निकालना है जोगफल बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या तो फिर लिख देते हैं ये जोगफल बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आप समझ जाइए तो लिखते तो नहीं है हम लेकिन आपका भी ध्यान रखना है क्या है इतना हो गया यानी एक बटा तीन गुणे औसत औसत बराबर क्या होता है जोगफल बटा संख्या और औसत बराबर क्या होता है तो आप ध्यान देंगे वो फॉर्मूला यहाँ नहीं रटेंगे जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंत एक से और होता है
औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा दो होता है, बटा वहाँ लास्ट नहीं, प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटा दो भी होता है। कब कॉमन डिफरेंस समान दिखे, यहाँ पे तीन के अंतर, यहाँ पे तीन का अंतर, सबका तीन का अंतर रहेगा। तो औसत बराबर प्रथम संख्या चार है और अंतिम संख्या छियालीस है बटा दो। ये तो हमको निकल गया औसत की वैल्यू निकल गया। आप निकालना संख्या, तो संख्या हम गिने जाएंगे एक दो तीन चार, ऐसे लिख के पूरा छल छल लिखना पड़ेगा हमको। नहीं समझिए, सब कुछ दिया हुआ आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत हार्ड लग रहा है। बता दिया है कि संख्या एन बराबर एक, संख्या कहाँ तक है अनुमानती, यानी पंद्रह संख्या दिया हुआ है, गिनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जानते तो गिने जाएंगे। चलिए तो हम समझ गए होंगे, तो संख्या हमारा पंद्रह है, सीधे पंद्रह रख दें हम, पंद्रह रख देंगे, समझ गए। अब हो गया एक बटा तीन गुना, देखिए जोड़िए कितना हो गया, पचास ना हो गया, पचास बटा दो गुने पंद्रह, देख कटता है पाँच दिया के पंद्रह, ये कितना मरते कटता है पच्चीस मरते, पच्चीस पच्चीस कितना हो गया एक सौ पच्चीस, आपको आंसर है तो आंसर आ जाएगा, एक सौ पच्चीस दिया होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, इतना तोड़ के बताए ना तो बहुत फास्ट कर देते, आंसर क्या अपना हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। समझ गए हो बहादुर, बहुत बेसिक दे दिए हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, ऐसे बी पी एस सी में टाइम आपको भरपूर मिलता है, कोई दिक्कत चिंता नहीं करना है। ये समझिए कैसे बनेगा, देख लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़े हैं। चलिए तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा, इसको हल करके दिखाइए, घर बनाइए कर दो कर, वो बना लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं, दो क्वेश्चन देता है बीपीएससी में, ध्यान रखेंगे। एस बराबर दे देते हैं सिग्मा छः एन बराबर एक, चलिए को सरल करें तो इतना ही दे देते हैं, तो एस बराबर आठ, एक क्वेश्चन ही निकाल दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये तो सिंपल है, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच पाँच प्लस छः, नहीं कल जोड़ना है। चलिए अगला देते हैं, एस बराबर रहेगा यदि एस बराबर सिग्मा एन बराबर एक यहाँ बारह, इतना इंटू करते हैं टू एन प्लस एक बटा दो, तो एस बराबर आठ, इसको कर लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन बी पी सी में देगा। अभी जैसे जैसा पढ़े हैं, एन की जगह कितना, एन यहाँ पर एक रखेंगे, फिर दो रखेंगे, फिर बारह तक रहेंगे, बारह लिखे हैं, कितना लिखे हैं वन टू लिखे हैं, बारह लिखे हैं, हल कर लीजिएगा, शॉर्ट में कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन लास्ट है, ये क्वेश्चन लास्ट सीखेंगे। देखिए सबसे पहले रेलगाड़ी समझ लीजिएगा, रेलगाड़ी में दूरी किसको बोलते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं। रेलगाड़ी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का, अगर सिंगल रेलगाड़ी है, एक ही रेलगाड़ी जा रही है, तो दूरी होता है तो उसका अपना लंबाई हो जाएगा, दूरी होगा जो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है। अगर दो रेलगाड़ी में संबंध दे दिया तो दोनों रेलगाड़ी के क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का जो योग होगा ना, जोगफल होगा, वही दूरी होगा। अथवा छोड़ेंगे, रेलगाड़ी में कोई पतली वस्तु में कोई दे दिया संबंध, वो खंभा को पार कर गया, पेड़ को पार कर गया, आदमी को पार कर गया, तो रेलगाड़ी की लंबाई होती है जो ही दूरी होती है। लेकिन रेलगाड़ी कोई बड़ा वस्तु के पार कर गया, कोई ट्रेन के पार कर गया, कोई बस के पार कर गया, कोई सुरंग के पार कर गया, कोई प्लेटफार्म को पार कर गया, यहाँ जो दूरी होगा ना, रेलगाड़ी की लंबाई का योग प्लस दूसरा वस्तु का योग होगा, यानी प्लेटफार्म का योग होगा, बस का योग होगा, जो भी योग होगा। तो बड़ी वस्तु के दो रेलगाड़ी है, बड़ी वस्तु को पार कर रही है, यानी रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो दूरी जो हो जाएगा, ध्यान देंगे दूरी हो जाएगा, दोनों का क्या होगा, लंबाई का योग होगा। तो प्रत्येक की लंबाई कितना, 150 है, 150 मीटर, पहला भी रेलगाड़ी 150 मीटर है, दूसरा भी 150, दोनों को जोड़ेंगे तो 300 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा, 300 मीटर आ गया। अब चाल जो दिया हुआ है, अगर दोनों रेलगाड़ी एक साइड में चलेगा तो चाल घटता है, सापेक्षिक चाल घटता है, अगर विपरीत में चलेगा तो जुटता है, क्यों जुटता है, विपरीत चलेगा तो तुरंत मिल जाएगा, सेम चलेगा जल्दी नहीं मिलेगा, इसे घटता है। यहाँ विपरीत है कि समान है, प्रत्येक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे विपरीत दिशा में, कितना है, विपरीत दिशा में, दूरी जुड़ जाएगा, सॉरी चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 90 कितना होगा, 180 हो गया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब हमारा दूरी मीटर में रहेगा तो चाल चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए याद करिएगा, 5/18 से गुणा किया जाता है, रूले है, 5/18 से गुणा किया जाता है कि 10 मरतबे कितना हो गया, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है बहादुर, देखिए तो दूरी 300 है, चलवा कितना आ गया, 50 ना गया है, 5×6=30, यानी 6 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आंसर होगा। समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट भी दिया, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 10-15 मिनट की हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना था 10 को सर, हम तो रहता था 5-4 से, मुश्किल से 5-4 से, मतलब 5 मिनट काफ़ी था, 4 मिनट काफ़ी मान के चलते हैं, 3 मिनट ही हो ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए आपको भी सिखा रहे हैं, आप भी कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत ज़्यादा जानना है, बीपीएससी में जो बता रहे हैं उसी को अगर फॉलो करें 10 में 10 मार लेंगे, घर पर ट्राई करना कि इस तरह से बनता है, क्या हम बोले हैं, हल्का हल्का थ्योरी भी दिए, नोट्स भी दिए,
उसको समझना है कि क्या होता है रेलगाड़ी की, बड़ा वस्तु के पार करे तो जुटेगा, छोटा वस्तु के पार करे तो उसका अपना अपना लंबाई दूरी होता है, समझेंगे। तो चलिए सभी लोग समझ गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं 2018 वाला, एकदम लेटेस्ट सब लेकर, एक भी नहीं छोड़ेंगे। परमिटेशन कमीशन के छोड़े हैं, एक क्वेश्चन छोड़े, चूंकि हम सब थ्योरी अलग चलेंगे। APGP देख रहे हैं पढ़ाना, APGP से एक क्वेश्चन दे देता है, उसको पढ़ाना जरूरी है। एक वीडियो डाला था उसको देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो कल लेकर आएंगे दो वीडियो हम। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक पक्का करना है, सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, चूंकि गारंटी कहते हैं हम कोई टीचर नहीं, प्रोफेशनल टीचर नहीं, हम खुद जॉब करने वाले आदमी हैं बिहार सरकार में। हम चाहते हैं कि अगला विद्यार्थी जो भी हैं, जो सक्सेस कैसे करें, या कहाँ उनका ब्रेक रुकता है, सब क्वेश्चन है, सब विद्यार्थी रुकता है, सब है जो 70-75 के करीब रहता है, 5 जो पार करता है उसी को रिजल्ट होता है। BPSC में सब है जो 90 के आसपास रहता है, जो 2-4 क्वेश्चन रहता है बनाएगा उसको रिजल्ट हो जाता है। हारने वाला जीतने वाला बहुत कम के अंतर नहीं रहता है, घर में दौड़े होंगे, फौज में दौड़े होंगे, या घोड़ा रेस में दौड़ता है, जीतने वाला 1 सेकंड में चलते जीतता है, हारने वाला भी 1 सेकंड में चलते हारता है। तो इसका वैल्यू समझिए, 1-2 नंबर के बहुत वैल्यू है। तो फिर से बोल रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि वीडियो को जितना जितना शेयर करिएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आप चाहेगा तो आगे हम वीडियो देंगे, अगर देखेंगे कि आप नहीं सीखना चाह रहे हैं तो फिर कुटल भारती में पानी भरना भी बेकार है। हो सकता है कि गलत हम बोल सकते हैं, बोल रहे हैं ऐसा नहीं, बात है सच्चाई कड़वा होता है। तो आपका फर्ज है कि आप रिजल्ट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।